उस मुर्दे को जिला ना जानता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे जोर से जोर से। औसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस हस्तके आला हजरत मदरसा गौसिया शफिया। हजरत आज दुनिया वालों के पास बर्बाद करने वाला हथियार है, आबाद करने वाला हथियार नहीं है, तबाह करने वाला है, बसाने वाला नहीं है। मगर चलिए हम लाहौर आपको लेकर चलते हैं। लाहौर में हजरत मेहर अली शाह हैं, हाथ में तस्बीह है, अल्लाहू अल्लाहू की सदा बुलंद कर रहे हैं। उधर से एक जेंटलमैन चला जा रहा है पैंट शर्ट टाई पहन करके। देखा एक फकीर बैठा है, सोचा के मजाक उड़ाएंगे, नजदीक गया और जाके कहा, ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने उसको देखा, और देखा तो चेहरे ही को नहीं देखा, दिल के नीयत को भी देख लिया। बोल दो भाई, बोल दो। ये है मोमिन की शान। और आप लोग, हम लोग एक मोमिन है, रोज दाढ़ी छिला रहे हैं, रोज खूंटी निकलवा रहे हैं। आहा, क्या मोमिन है। एक वो मोमिन थे, पूछा तो सिर्फ सुना नहीं, आज मेडिकल वाला बहुत तरक्की किया है, अल्ट्रासाउंड से बता देगा कि आपके पेट में कहां जख्म है। लेकिन कोई मेडिकल वाला ये बता दे कि हम जो सोच रहे हैं वो भी बता सकता है कि हम सोच क्या रहे? डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं कि अंदर से गाली दे रहे? मगर अल्लाह वाला वो है जो नीयत को भी देख लेता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इन्हीं लोगों ने आदमी को आदमियत के सांचे में ढाला है, इंसान को इंसानियत का जामा पहनाया है, और आदमी को मानवता का दर्श दिया है। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने इंसान को इंसानियत के आला मकाम पर फाइज कर दिया। आपने उल्टा सवाल किया, ओ जेंटलमैन तुम क्या कर रहे हो? बोला, बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूं। फरमाया, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूं। बाबा आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया, तुम किसकी ड्यूटी में? बोला, मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूं। तो आपने फरमाया, मैं मदीने वाले आका की ड्यूटी में हूं। जोर से बोलो पीछे वाला, सुभान अल्लाह। कहा, बाबा हाथ में क्या है? तस्बीह जो पढ़ रहे थे ना, तो तस्बीह की जानिब इशारा किया, बाबा हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया, तेरे बगल में क्या है? तो उसने रिवाल्वर निकाल के कहा, बाबा यह हथियार है। तो आपने अपनी तस्बीह हिला के फरमाया, ये भी हथियार है। बाबा यह हथियार कहां मिला? फरमाया, तुमको कहां मिला? बोला, मैं अफसर हूं ना, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तो आपने फरमाया, मैं गुलाम हूं ना, हमें बड़े पीर ने दिया है। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतने बड़े मकाम पर फाइज हूं इसलिए ये मिला है। फरमाते हैं, मैं गुलाम हूं ना, हमें बड़े पीर ने दिया है। आप किसी को कह दीजिए कि तू फला का चमचा है तो बिगड़ जाएगा, लाठी लेके दौड़ा देगा। कह दीजिए तू मंत्री का चमचा तो डंटा लेके दौड़ाएगा, बोलेगा चमचा बोलता है, हम पिए हैं। लेकिन हम लोगों को अगर कोई कह दे कि तू नबी का गुलाम है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें मुस्तफा का गुलाम कहा जा रहा। और मैं अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, अगर दुनिया वाले हमें आपका गुलाम कह रहे हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। मेरी जिंदगी की मेराज ये होगी कि आप मैदाने कयामत में एक मर्तबा कह दीजिएगा, आने दो ये मेरा गुलाम आ रहा है। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना। बोलिए बोलिए बोलिए, तकरीर हम कर रहे हैं, सफर हम कर रहे हैं, थक आप रहे हैं। 24 घंटा में हम कश्मीर से आ रहे हैं तो हम नहीं थके हैं, और आप 2 घंटा पहले आए तो हाँफ रहे हैं। वाह वाह, क्या आपकी भी थकावट है।
कुर्बान जाने को जी चाहता है आपकी थकावट पर। क्या थकावट है, लखनऊ में चल के आए तो ये थकावट है। दो दोस्त जा रहे थे, एक दोस्त एक मन का बोझा लेके जा रहे थे और एक दोस्त खाली हाथ जा रहे थे। जो बोझा लेके जा रहे थे वो ठीक ठाक थे, जो खाली हाथ जा रहे थे वही हांफ रहे थे। तो दोस्त ने पीछे पलट के देखा, कहा अरे बोझा हम ढो रहे हैं, तुम क्यों हांफ रहे हो? बोला मैं तेरा पक्का दोस्त हूं, तुमको दो काम नहीं करने दूंगा। कहा क्या मतलब? बोला बोझा तुम ढोवो, तेरे बदले हांफते हम चलेंगे। आपका भी यही हाल है, तकरीर हम कर रहे हैं, सफर हम कर रहे हैं, हांफ हांफ रहे हैं। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा, फर्स्ट क्लास, शाबाश शाबाश। तीन तरह के लोग खाने वाले होते हैं, किस जैसे बिरयानी पक गई, शादी भी हम आप देखिएगा, चलो भाई खाओ, खा के ग्रुप निकला तो जिसके यहाँ फंक्शन रहता है वो थोड़ा जानना चाहता है कि क्या हाल है, कैसा लगा। एक आदमी निकला, पूछा कैसा लगा भाई साहब? कैसा लगा? बेकार है। अरे यार इतनी मेहनत से पकवाया, ये हूं करके जा रहा। तब तक दूसरा निकला, कैसा लगा भाई साहब? ठीक है चलेगा, जल्दी जाओ खाली है कुर्सी। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा कर, ये तो ठीक ठाक कह रहा। तीसरा निकला, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या सिद्दीक अशरफी साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, तीन तरह का खाना पकवाए हैं क्या? तीन तरह का बावर्ची है क्या? तीन तरह के लोग हैं क्या? का नहीं हजरत, चावल एक, दाल एक, सब्जी एक, मसाला एक। हमने कहा जायका तीन तरह का क्यों है? बोले कि जिनको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो क्या खाएंगे। हमने कहा दूसरा? बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा? बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, इसका स्टेमिना भी बहुत मजबूत है। ए लोगों, खाना अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि जिस्म अच्छा हो, नबी का जिक्र अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि दिल अच्छा हो, अकीदा अच्छा हो, मसलक हो, मजहब अच्छा। क्या कहना, तो आप लोग को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा, तो कल शुक्राने की नमाज पढ़िएगा। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा उसी को लगता है जिसका दिल अच्छा रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका दिल अल्लाह ने अच्छा बनाया है। तो जब अच्छा है, देखिएगा आम दिन में कम खाएगा, लेकिन जिस दिन अच्छा बनेगा ना, मटन, चिकन, कोरमा, कोफ्ता, कबाब, उस दिन दबा के खा देगा। क्यों भाई? मैंने बहुत अच्छा बना हुआ था यार, थोड़ा सा दबा दिया। लेकिन चौथे आदमी के पास वही खाना लेके जाइए तो उल्टी करने लगेगा। किसके पास? अगर 104 डिग्री बुखार हो, मलेरिया हो गया हो, टाइफाइड पकड़ लिया हो, तो बिरयानी लेके जाइएगा तो उल्टी कर देगा। खाता वही है जिसका जिस्म अच्छा रहता है। तो आपका दिल अच्छा है तो जरा सा ये रूहानी गजा दे दीजिए ना। दुनिया के फल फ्रूट से जिस्म मोटा होता है, जिक्र रसूल से दिल मोटा होता है। अपने अपने जिस्म में जो रूह है और दिल है, उसको जरा ये रूहानी ग़िज़ा सुभान अल्लाह से देते रहिएगा। शेर, एक एक शेर और बेदा मुआरसी का इसमें बहुत अच्छा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मौत के वक्त में जब कोई सहारा ना हो तो आप अपना चेहरा दिखा दीजिएगा। इतना तू करम करना ए नरगिस मस्ताना, के जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों,
लखनऊ में बहुत सोच सोच के लोग पैसा दे रहे हैं, बहुत दो चार शेर पढ़ने के बाद पसंद आया तो 10 रुपया गिरा के चला गया। अरे पैसा मत दो सुभान अल्लाह तो बोलो, एक है नोट एक है होंठ, है ना, तो होंठ तो कभी खराब नहीं होता ना। अरे अरे माशा अल्लाह जजाक अल्लाह, ये तो अब तक कहीं नहीं मिला था हमको, इतना बड़ा नहीं मिला था, है वहां भी नहीं मिला। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई साहब का? नबी अहमद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, सरकार का फैजान जारी हो सारी रखे। इनके तरफ से एक शेर फिर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इतना तो करम करना ऐ चशीम करीमाना के जब जान लबों पर हो मेरे आका, जब जान लबों पर हो मेरे मुर्शिद, जब जान लबों पर हो तुम सा मुने आ जाना, जब जा हाय हाय, हाथ उठा के जवाब दीजिए ना। रख अगरा रख या अली, क्या कहना है सुभान अल्लाह। और सुनिए, हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया? शराब बंदी। और हम यूपी के मुख्यमंत्री से भी उम्मीद रख रहे हैं कि शराब बंदी जरूर करेंगे, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो उन्होंने शराब बंदी की, बिहार के अखबार में न्यूज छप रही है कि जब से ये शराबबंदी हुई है तब से जराइम कम हो गए, फसाद कम हो गए, लड़ाई झगड़ा कम हो गया, केस मुकदमा कम हो गया, और बहुत बड़ा लाभ भी हुआ। जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसा विकास में लगेगा, बाल बच्चों के भविष्य में लगेगा, पढ़ाने लिखाने में लगेगा। लेकिन हमको अगर कोई कहे पीने के लिए तो हम क्या कहेंगे? पीने को तो पी लूंगा पर शरे तो जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शरे तो जरा सी है, अजमेर का प्याला हो। जोर से जोर से, अजमेर का प्याला हो और बगदाद का मैखाना, अजमेर का प्याला, अजमेर का प्याला। ऐसा एकदम इत्मीनान से इन लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए भाई, अभी बोल लीजिए और कब्र में आराम से सोइए, समझे? यहाँ बोलिएगा कब्र में सोइएगा, और जो यहाँ चुपचाप रहेगा कब्र में उठाया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मौका यहीं है, बोल लीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के गए बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर सुन लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आइए, दुनिया वाला किसी ना किसी से प्यार करता है, लेकिन मुसलमान क्या कहता है? क्यों की लगाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों की मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे।
हजरत मैं क्या कह रहा था, बैठिए भाई साहब बैठिए, आप लोग अच्छे लोग बैठे हैं सामने तो बोलने में अच्छा लग रहा। क्या फरमाया, मैं गुलाम हूं गुलाम। कहा बाबा ये हथियार जो आपको बगदाद से मिला है उससे क्या करते हैं? तो आपने फरमाया तुमको जो गवर्नमेंट से हथियार मिला है उससे क्या करते हो? कहा देखिएगा मेरे हथियार का कमाल। फरमाया दिखाओ। सामने दरख्त था, उस पे चिड़िया बैठी थी, आगे बढ़ा, रिवॉल्वर निकाला, निशाना लगाया, गोली मारी, चिड़िया गिरी, मर गई। आया और सीना चौड़ा करके कहा ओ बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, जो हमसे टकराता है उसका यही हाल होता है। इतना सुनना था कि आप खड़े हो जाते हैं, अपनी तस्बीह को लेते हैं, चिड़िया से टच कर देते हैं, चिड़िया जिंदा हो जाती है। फरमाया ओ जेंटलमैन देखा मेरे हथियार का कमाल, तेरे हथियार से जान जाती है और मोमिन के हथियार से गई हुई जान वापिस आ जाया करती है। तुम बर्बाद करना जानते हो और इस्लाम लोगों को आबाद करना जानता। और दोस्तों हमारे बुजुर्गों का तरीका कार यही रहा है कि जब भी कोई दुखी इंसान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो ये नहीं देखते थे कि आने वाला किस धर्म का आदमी आ रहा है, वो ये देखते थे कि आने वाला इंसान आ रहा है, आने वाला आदमी आ रहा है, आने वाला खुदा का बंदा आ रहा और मदद फरमाते थे। और वो सिलसिला आज भी जारी है, अजमेर शरीफ में आज भी हजारों लोग हाजिरी देने जाते हैं, उसमें हमारे वतन के बिरादराने वतन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। और जा करके मेरे ख्वाजा के आस्ताने पर अगर चादर पेश करते हैं तो ख्वाजा जिस तरह मुसलमानों को नवाजते हैं उसी तरह दूसरे लोगों को भी नवाजते हैं। सबसे बड़ी इबादत सुन लीजिए, सबसे बड़ी इबादत इंसानियत की खिदमत करना है, मानवता का काम आना है, आदमी के दुख में शरीक होकर के उसके दुखे दिलों को मरहम लगाना है, यह सबसे बड़ी इबादत है। आज हमारे समाज में क्या होता है कि कोई दूसरा भूखा तड़प रहा हो तो हम मुस्कुराते हैं, अच्छा हुआ बेटा भूखा मर रहा है, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, अगर तुम्हारे सुनिए तुम्हारे घर में गोश्त पके, तुम्हारे घर में मछली पके, तुम्हारे घर में कोई ऐसा सालन पके तो अपने पड़ोसी को भी दिया करो, और उस पड़ोसी में हिंदू हो चाहे मुस्लिम उससे कोई मतलब नहीं है, बगल में जो तुम्हारा पड़ोसी है उसको भी वो दे दिया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास सामान कम हो, बाल बच्चा ज्यादा हो तो हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, उनको कैसे दे पाएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया शोरबा तो बढ़ा सकते हो। सुभान अल्लाह बोलो ना। अरे बोटी नहीं दे सकते, शोरबा तो बढ़ा सकते हो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर की खुशबू को बाहर मत जाने दो, ताकि पड़ोसी का बेटा ना रोने पाए, पड़ोसी का बच्चा आंसू ना बहाने पाए, पड़ोसी के घर में मातम ना होने पाए, ये इस्लाम सिखाता है। मगर आज हाल क्या है कि सब लोग बर्बाद हो जाएं, खाली हम आबाद रहें, सब लोग तबाह हो जाएं, खाली हमारा बाल बच्चा आबाद रहे, नहीं। इस्लाम क्या सिखाता है कि तुम खुद भी जन्नत जाओ और घर वालों को भी जन्नत में लेके जाओ, तुम खुद भी जन्नत में जाओ अपने पड़ोसी को भी जन्नत में लेकर के जाओ, तुम खुद भी जन्नत में जाने का काम करो और अपने पड़ोसियों को भी अपने रिश्तेदारों को भी जन्नत में जाने का
ऐसा रास्ता दिखाओ कि वो रास्ता पर चलता रहे। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को देख लीजिए, बाबा कुतुबुद्दीन की जिंदगी को देख लीजिए, या मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देख लीजिए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। आपको मालूम है मेरे सरकार की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में एक यहूदी आया और वो मेहमान बना। क्या बना? मेहमान बना। तो ज्यादा लोग थे तो मेरे सरकार ने फरमाया एक एक आदमी को सब ले लो। तो सारे साहबा ने एक एक आदमी को ले लिया, एक आदमी को मेरे नबी ने भी ले लिया। अच्छा, वो गया था बुरी नीयत से, तो जितना मेरे नबी के घर में खाना पका था सब अकेले खा गया। और मेरे सरकार ने यह नहीं फरमाया कि अब बंद कर दो, घर में भी कोई आए, सरकार ने फरमाया जितना खाता है शिकम सहर होके खाने दो। तो पूरे घर का खाना खा लिया और रात में पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो पैखाना कर दिया बिस्तरे में, और जब पैखाना कर दिया तो सोचा सुबह तो पिटाई होगी, 4 बजे भोर ही भाग गया, उड़ान हो गया। सुबह हुई, सरकार ने फजर नमाज के बाद दरवाजा खोला तो देखा कि वो भागा हुआ है और बिस्तर गंदा है। तो मेरे नबी ने नफरत नहीं किया, ऐसे ही लोग नबी के दीवाना नहीं हुए। सरकार उस बिस्तर को अपने दस्ते मुबारक से साफ कर रहे थे। यहूदी दूर चला गया तो याद आया कि मेरी तलवार छूट गई और बहुत कीमती तलवार है, तो लौट करके आया कि तलवार ले ले। तो क्या देखता है कि सरकार उस गंदे कपड़े को साफ कर रहे हैं, सहाबा पानी दे रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया सरकार मैं साफ कर देता हूं, तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा मेहमान था। आहा, क्या कहना, बोल दो बोल दो, मेरे नबी के नाम पर बोलो, मेरा मेहमान था, मैं साफ करूंगा। और जब वो आया तलवार लेने तो देखा कि मेरा गंदा किया हुआ बिस्तर मुस्तफा जाने रहमत जिनके लुआ बेदहन से कायनात पाक हो जाती है, वो कपड़ा साफ कर रहे हैं, हिचकिचाया। कुर्बान जाइए अपने नबी के करैक्टर पर। फरमाया तुम्हारी अमानत रखी हुई है। आहा, बोल दो बोल दो, तलवार लेने आए हो ना? हाँ सरकार, तलवार भूल गया था। फरमाया ये तेरी तलवार है, लेकर चला जा। उसने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ, मारपीट होगी, मगर जब नबी ने कुछ नहीं फरमाया तो तलवार नहीं लेता है, नबी के कदम पर गिर जाता है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, इतना बेमिसाल नबी हमने देखा ही नहीं। और नबी के कदम पे गिर के कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाता। वो बहुत मशहूर वाकिया है कि मेरे सरकार जब रास्ते से गुजरते थे तो एक बुढ़िया थी, दिन भर का कूड़ा करकट, दिन भर का कूड़ा करकट अपने एक जगह जमा करती थी, और जब सरकार मेरे गुजरते थे उस गली से तो ऊपर से कूड़ा करकट मेरे नबी के सरे मुबारक पर डाल देती थी। और सरकार कुछ नहीं फरमाते थे, सर झाड़ते थे, कपड़ा झाड़ते थे, गुजर जाते थे। कुछ नहीं ना, झूम के बोलिए। ठीक है ठीक है, वो निकाल दे रहे हैं, जोर से बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना। ये कई दिन ज़ईफ़ा करती रही मगर सरकार जान करके भी चुपचाप रहे, जान करके चुपचाप रहे। अरे भाई, हमको मालूम हुआ कि इस रास्ते से हम गुजरते हैं और एक आदमी रोज हम पर ईंटा पत्थर फेंकता है तो हम रास्ता बदल देंगे ना, मगर मेरे नबी ने रास्ता नहीं बदला। मुस्तफा को मालूम था कि रास्ता बदलूंगा तो इसका दिल कौन बदलेगा। मेरे नबी ने मुसलसल सफर जारी रखा और एक दिन ज़ईफ़ा को भी ये कहना पड़ा कि नबी, दुनिया वालों का मिजाज ये है कि ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है, मगर आप ऐसे नबी हैं जहां ईंट और पत्थर का जवाब दुआ से दिया जाता है, रहमत से दिया जाता है। हजरत,
हजरत आज भी बहुत कुछ लोग यहां हमारे गंगी जमनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं। नहीं, हमारा पैगाम ये है कि प्यारे आपस में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं के लड़ाई करो, धर्म कहता नहीं के लड़ाई करो। और हिंदू मुस्लिम तो भारत के दो नैन है, अमन है शांति है सुकून चैन है। देखो आपस में ना हाथा भाई करो, धर्म कहता नहीं के लड़ा। हजरत ये मैंने इसलिए कहा कि इसका अगर मुताला करें तो माशाल्लाह। हाफिज महताब साहब आप आए हुए हैं, देखिए कहां जा रहे भाई साहब आप लोग? ओ भाई कोई दिक्कत है? हाजत है तो एक साथ इतना हाजत कहां पूरा करेगा, एक एक करके पूरा करो ना, वो भी लखनऊ में। झूम के बोलिए, ठीक है, मोहब्बत से बोलिए। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो जाने वाला होता है तो दुनिया से चला जाता, कोई नहीं रोक पाता है, हम लोग जलसा में कैसे रोकेंगे। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, 5-10 मिनट टाइम है भाई साहब, आ जाइए। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, महजब अंदाज में बैठिए ना कि दुनिया देखे कि ये नबी का गुलाम बैठा हुआ है, गरीब नवाज का मस्ताना बैठा हुआ है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक मेरे हजरत अली हैं, क्या कैरेक्टर है मेरे अली का, क्या किरदार है मेरे अली का, देखिएगा तो आप कहिएगा अरे यार हम खुद मुसलमान होके हजरत अली के किरदार को नहीं जानते। हमारे हिंदू भाई हैं अगल बगल में, हमारे बहुत हिंदू भाई हैं, बहुत मकान में देख रहा हूं, बहुत घर देख रहा हूं हिंदू भाई का है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है कि आपको जलसा करने के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। अब देखिए, अब देखेंगे लक्ष्मण के कैरेक्टर को कोई देखे। राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि देखो ये पाजे पहचानो, ये झुमका है इसको पहचानो, ये कंगना है इसको पहचानो। झुमका को दिखाया गया तो लक्ष्मण ने क्या कहा, ये मेरी भाभी का नहीं है, हम नहीं जानते नहीं पहचानते। कहा गले का हार देखो, कहा इसको भी नहीं पहचानते। कहा हाथ की चूड़ी देखो, कहा इसको भी नहीं जानते। कहा पैर का पासेब, कहा ये मेरी भाभी का है। कहा झुमका नहीं पहचाना, मंगटीका नहीं पहचाना, गले का हार नहीं जाना, कंगन नहीं जाना, ये पासेब कैसे पहचान लिया? तो लक्ष्मण ने कहा मैंने अब तक भाभी का चरण देखा है, चेहरा नहीं देखा है, इसलिए मैं ये जेवर नहीं पहचानता। बोलो ए राम के मानने वालों, अगर सच्चे तुम भक्ति हो तो लक्ष्मण के इस किरदार को देखो। जब अपनी भाभी की इतनी इज्जत करते हैं तो अपनी माँ की कितनी इज्जत करते होंगे, अपने बड़ों का कितना एहतराम करते होंगे। और तुम हजरत अली के मानने वाले हो, मालूम है हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। चेहरा तो छोड़ दो, जिस्म तो छोड़ दो, उनकी चादर किसी ने नहीं देखी। इतने अपने आप को पर्दे में रखती थी। हे मुसलमान, अगर तू हजरत अली का मानने वाला है तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को कनीज़े फातिमा बनाओ, उनके सांचे में ढालो, तब इंशाल्लाह तुम्हारे घर में इनकलाब आएगा। और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शरीयत के ऊपर अमल करो। जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि नबी का गुलाम हो जाओ, जमाना तुम्हारा वफादार हो जाएगा। और अगर नबी से दूर हो गए तो यहां भी जलील किए जा रहे हो, किए जाओगे, मैदान कयामत में भी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हो और ख्वाजा के नाम से ये मंसूब भी है तो ख्वाजा गरीब नवाज
रदी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई दुखा पीटा मजबूर इंसान आए तो उसको धुतकारो नहीं, उसको भगाओ नहीं, बल्कि जितना हो सके उसकी मदद करो। और इस्लाम कहता है पड़ोस में अगर तुम्हारे हिंदू भाई हैं तो उनके सुख दुख में तुम शामिल रहो, छत तुम्हारी ऊंची हो तो उनके आंगन में ना झांको। क्या कहना, कितना एहतियात बरता है इस्लाम ने। और सुनो प्यारे, सुनो प्यारे, हम और आप वजू करते हैं ना, जल्दी बोलिए। अरे बोलो ना जी, मुंह है कि नहीं? भाई साहब ने ना, ना हकला नहीं रहे आप लोग? अल्लाह ताला ने जुबान दिया उसका शुक्रिया अदा कीजिए ना। ये पानी हम लोग वजू करते हैं तो इस्लाम क्या कहता है, अगर एक बदना से पानी हो जाए, वो एक बदना से वजू हो जाए, एक लोटा पानी अपने लिया, और अगर वजू सही हो गया तो दूसरा लोटा पानी में लेके बहाने की जरूरत नहीं है, यानी फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। ए मुसलमान, गौर से सुनो, जब इस्लाम पानी को बहाने का हुक्म नहीं देता है तो किसी इंसान का खून बहाने का हुक्म कैसे देगा? पानी का इतना ख्याल तो इंसान के खून का कितना ख्याल होगा? और सुनो, इंसान तो इंसान है, मेरे नबी फरमाते हैं जानवर को भी ना मारो, और जानवर को भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ उसकी पीठ पर ना ला दो। और वो जानवर है तो उसके खाने पीने का इंतजाम करो। अरे वो आदमी नहीं है तो अल्लाह ने उसमें जान दिया है ना, जान का ख्याल करो। एक ऊंट आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार मैं भाग करके आ गया मालिक के यहां से, तो मेरे आका ने फरमाया क्यों आए? सरकार मेरा मालिक बोझ लाद रहा था मेरी पीठ पर, मैं भाग गया। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तो तुमको इसीलिए पैदा किया है बोझ तुम पर लादा जाए, क्यों भागे? बोला सरकार जब सीजन रहता है ना तो मालिक खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, और जब सीजन ऑफ हो जाता है ना तो पानी भी बंद कर देता है, तो आज हम खुद ही उछल के भाग गए, बेटा तुम ही ढोवो। तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अच्छा तेरा मालिक आ ही रहा होगा। तब तक मालिक दौड़ करके गया, मेरे आका ने फरमाया ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा, क्या शिकायत? ईमानदारी से बताओ मुसलमान, हम लोग ऊंट की बोली समझते हैं? जल्दी बोलिए। बिल्ली की? किसी की? नहीं। अरे जानवर के, आदमी के कैसे नहीं समझेगा? जानवर के बारे में पूछ रहे हैं, आदमी के बारे में क्या पूछ रहे हो? किसी जानवर की? भैंस उस के ना, भैंस की बोली समझते तो कह देते दूध बढ़ा दो आज जलसा होने वाला, क्या नहीं समझते हैं? मगर मेरे नबी पूरी कायनात के लोगों की जुबानों को समझते हैं। जोर से बोलिए, जोर से। यहीं से 24 नंबर का काट हो गया कि अरे जालिम तुम मुस्तफा की बात करते हो, तुम यहां से जाओ तो कश्मीर की बोली नहीं समझ सकते, झारखंड की बोली नहीं समझ सकते, बिहार की बोली नहीं समझ सकते, और मेरे नबी की बारगाह में हज के मौके पर पूरे वर्ल्ड के लोग जाते हैं, अपनी जुबान में बोलते हैं, और मुस्तफा सबकी बोली समझते हैं, सबकी फरियादों को सुनते हैं। ये मेरे मुस्तफा हैं, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और क्या बोल रहे थे? ऊंट वाली शिकायत। तो मेरे आका ने फरमाया तेरा ऊंट कहता है कि सीजन के टाइम में खूब खिला पिला करके एकदम इसको रखता है तरोताजा, और जब काम कम हो जाता है, ठप हो जाता है, तो तुम इसका खाना पीना बंद कर देता है। तो अर्ज किया सरकार, सरकार ये काम हो जाता है, गलती हमसे हो जाती है। सुनिए तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, ए सहाबी जानवर का भी ख्याल रखा करो, अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी जान अता फरमाई है,
इसके भी खाने पीने का इंतजाम करो। इसलिए दोस्त मुकम्मल मुस्तफ़ा किए फरमान पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह हर जगह आप बवकार रहेंगे। और मेरे ख्वाजा अकेले आए थे हिंदुस्तान में, और ख्वाजा को देख करके ज़माना वाला ये कहता था कि अजमेर वाला ख्वाजा इतना अच्छा है तो करबला वाले हुसैन कितने अच्छे होंगे, और करबला वाले हुसैन इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, जोर से बोलिए, टाइम नहीं है, एकदम लास्ट हो रहा, इधर उधर सिंगल लाल हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, अरे काबा है फकीरों का, रौजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रौजा मेरे ख्वाजा का, और जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, भटता है वहां घर घर, अरे हम चुप हो जाए, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए ना, और भटता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, भटता है वहां घर घर सदका मेरे, माशाल्लाह। और सिद्दीक साहब है कि नहीं यार, है माशाल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, आप लोग के हम लोग के यहाँ दूल्हा बनता है तो सेहरा बनवाते हैं कि नहीं, के चौबीसिया की तरह ऐसे ही चल देते हैं, बनवाते हैं, ठीक है तो अच्छा। लखनऊ तो भाई राजधानी है, यहाँ तो एक से एक सेहरा बनता होगा, लेकिन कोई आदमी कलकत्ता से सेहरा मंगावे, दिल्ली से सेहरा मंगाए, तो लखनऊ से जो सेहरा आया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो दिल्ली और मुंबई से आया है या कलकत्ता से आया है तो आइए मौलाना जाकिर साहब क्या हुआ सेहरा देखिए, कलकत्ता वाला है, इधर उधर वाला ना है, आइए सिद्दीक साहब ये देखिए, हाँ सेहरा कहाँ से लाया, दिल्ली वाला है, यानी वो अहमियत जताना चाहता है। मेरे ख्वाजा का सेहरा कहाँ से आता है सुनिए, फूल आए हैं जन्नत से खुशबू है मदीने के, फूल आए हैं जन्नत से खुशबू है मदीने की, गूंधा है फरिश्तों ने, अरे गूंधा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, गूंधा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, और शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का, आया है हजरत। पांच मिनट में तकरीर खत्म। हिंदुस्तान में सारी खानकाहों का एहसान हम सुन्नियों के ऊपर है, लेकिन हिंदुस्तान की दो खानकाहें हैं जिसका एहसान सबसे ज़्यादा हम सुन्नियों के ऊपर है, एक खानकाह अजमेर शरीफ में है, दूसरी खानकाह बरेली शरीफ में है, ठीक है दो मिनट में ख़त्म कर दे रहे हैं। एक अजमेर वाला एक बरेली वाला, अजमेर वाला ख्वाजा इस्लाम देने के लिए आया था और बरेली वाला रजा ईमान बचाने के लिए आया था, इसलिए हम ख्वाजा का भी जिक्र करते हैं और इमाम अहमद रजा का भी जिक्र करते हैं, और ऐसे रजा के चाहने वाले हैं कि नाम रजा हमें जान से प्यारा, कल भी था और आज भी है मरकज शहर बरेली हमारा, कल भी था और आज भी है, अन्ना मेरा रसा को मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रजा का घर घर चर्चा, कल भी